इस टाइम के लिए थैंक्स टू कॉलेज, हमारे गलूटिया कॉलेज को थैंक्स। तो वो ITCS की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है ईसी के बारे में। क्या होती है ना, ईसी में जाने पे आदमी रिग्रेट क्यों करता है, दो चीजों की वजह से। चॉइस होता है सीएससी, बट उन्हें मिल जाता है ईसी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के सीनियर है। तो गाइज, आप काफी ज्यादा मुझे कॉमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, भैया ईसी के बारे में बताओ, ईसी के बारे में बहुत ज्यादा ही आप लोगों का कंफ्यूजन था। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर है जिनका प्लेसमेंट ईसी की कोर कंपनी में हुई है। तो गाइज, इनसे हम जानेंगे इनका क्या स्ट्रेटेजी था और कैसे इन्होंने तैयारी किया, सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं इनका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्होंने ईसी को क्यों ऑप्ट किया। पहले तो यार थैंक यू भाई पॉडकास्ट करने के लिए, पहली चीज़ तो यही है। और बाकी यार ईसी का तो ऐसा था यार कि शुरू से ही मेरे को ना थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब जब मैं 12th करके निकला था तो मेरा क्या था, ICSE बोर्ड था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब हमारे ICSE बोर्ड में ऐसे प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज़्यादा रहता है क्रेज़। हमारे टाइम पे जावा थी तो हमें प्रोग्रामिंग का काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उस टाइम पे 12th में, आई गेस 12th में हमारे में एक सब्जेक्ट होता है तुम्हारा कंप्यूटर्स में ही, डिजिटल लॉजिक करके, तो उसमें यार एंड गेट और गेट ये सब बहुत था 12th में। तो वहाँ से मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना बेसिकली। तो वहाँ से मुझे लगा यार कि यार ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, इसमें मतलब हो रहा है कुछ, दिखते हुए बनता हुआ कुछ दिखता है। तो फिर मैंने यार तैयारी व्यारी की, तो फिर मैंने UPTU का एग्ज़ाम दिया था, देन फिर मुझे गलगुटिया कॉलेज मिला ईसी ब्रांच, तो फिर मैं आया यार ईसी में। तो फिर बाकी तो यार अपना बीटेक का जैसे रहता है, 4 साल निकल जाते हैं बस ऐसे ही, मेरे भी वैसे ही निकले। बट मेरे को थोड़ा विजन था कि मुझे करना तो यार इसी में ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही शुरू से ही मेरा थोड़ा क्रेज़ था, उसके लिए विजन था काफ़ी ज़्यादा। तो बट मुझे ये नहीं क्लियर था यार कि मैं कैसे पहुँचूंगा वहाँ। बट मतलब मुझे ये सब चीज़ें पसंद थी कि हाँ यार ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है अपना और तुम्हारा एनालॉग भी होता है, ये सब चीज़ें पता थी, बट ये नहीं पता था कि कैसे जाना है कैसे करना है। तो वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ मतलब बेसिकली कॉलेज एक्सपीरियंस यार मेरा ओवरऑल तो वैसे ठीक ही रहा, मतलब गलगुटिया अच्छा कॉलेज है वैसे तो, एज ए सीट ईयर में मतलब अपना जो AKTU में आता है उसमें टॉप के 4 या 5 में है, तो अच्छा है गलगुटिया। और ईसी की फैकल्टी भी अच्छी है गलगुटिया की, हमारे टाइम पे तो थी एटलीस्ट, और अभी का मेरे को नहीं पता, बट उस टाइम पे तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स थे, तो उनसे भी यार काफ़ी मेरे को यार मतलब नॉलेज मिला, विजन मिला थोड़ा सा। तो यही था यार मेरा तो जर्नी ऐसे ही रहा है मतलब थ्रू आउट अभी तक का। तो भैया, कुछ कुछ बच्चों का चॉइस होता है सीएससी, बट उन्हें मिल जाता है ईसी, और देन उसके बाद वो ईसी लेने के बाद वो 3 साल 4 साल तक रिग्रेट ही करते रह जाते हैं कि हमें, हमारा तो ईसी में जाने का कोई प्लान ही नहीं था। देन उसके बाद ईसी में आने के बाद आई थिंक 80% बच्चे CSIT की तरफ भागते हैं और सीएससी की तैयारी करते हैं। सो आपके क्लास में क्या रेशियो था और आपका कोई ग्रुप था जो कि ईसी से ही ओरिएंटेड, मतलब उन लोगों का इंटरेस्ट ईसी की तरफ था, ऐसा कुछ? ये सही कह रहे हो तुम, एक्चुअली हमारा ग्रुप था 6-7-8 लड़के, मतलब 7-8 लोग थे, एंड मतलब उसमें मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड हर्षित, हर्षोल पूर्वी एंड जतिन निशिता, ये भी थे, मतलब ये हैं। तो हमारा था यार, हमारा थोड़ा विजन था कोर में जाने का, हमें लगता था कि यार ये ईसी यार इतना बढ़िया डोमेन है, इसमें यार इतनी सारी चीज़ें, इतना कॉम्प्लेक्स है। देखो यार बात क्या होती है ना, ईसी में जाने पर आदमी रिग्रेट क्यों करता है, दो चीज़ों की वजह से। पहला कि उसके दिमाग में CSIT होता है, उसको प्रोग्रामिंग पसंद होती है जैसे कि मैं था, बट मुझे जाना ईसी में ही था क्योंकि मेरा चॉइस था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं ईसी में प्रोग्रामिंग कर पाऊँ, ऐसा मेरा था। बट मुझे पता नहीं था कि क्या है, तब तक तो नहीं पता था। बट ये होता है कि एक तो रिग्रेट ये होता है, तो उस चक्कर में तो आदमी को जो मिलता है तो फिर वो सोचने लगता है कि क्या यार कहाँ आ गए, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैपेसिटर रजिस्टर ट्रांजिस्टर ये क्या चीज़ है भाई। तो बट ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, बनता है, और जो लोग चॉइस से जाते हैं तो वो करते हैं भाई। भैया सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्लेसमेंट हुआ कोर की कंपनी में, वर्विन सेमी में। सो अब जानते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या स्किल सेट आपने गेन किया, ये सब चीज़ें आप बताओ, एंड क्या क्या कोर कंपनी के लिए क्या क्या जरूरत होता है, एंड अभी का ट्रेंड क्या है? देखो अभी तो भाई सेमीकंडक्टर में है बहुत बूम, ठीक है, सेमीकंडक्टर भाई बहुत है बढ़िया, ठीक है, अगर इंटरेस्ट है, पेशेंस है, और किसी के अंदर मतलब उसको करने का रेजिलेंस है। मैं रेजिलेंस शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि रेजिलेंस में सब कुछ आ जाता है, तो अगर उस चीज़ का है, अगर डेडिकेशन है, उतना डिटर्मिनेशन है, और उतना प्रेशर झेलने की हैंडलिंग एबिलिटी है कॉलेज एंड विद योर स्किल सेट, क्योंकि कॉलेज तो तुम्हें नहीं, देखो यार कॉलेज तुम्हें वही बताएगा जो उसके करिकुलम में, तुम्हें उससे बाहर जाना पड़ेगा ये सब करने के लिए, ठीक है। ये इंडस्ट्री से कॉलेज बहुत दूर है और कॉलेज इंडस्ट्री से बहुत दूर है, ये एकदम फैक्ट बात है। जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो कॉलेज का, मतलब कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो यूज़ होती हैं, नो डाउट, फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं, माई लैचेस यूज़ होती हैं, बहुत सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट। तो वो उस टाइप का ऑर्डर ऑफ थिंकिंग लाना, उसके लिए आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जो तुम्हारा सवाल था कि
की तैयारी कैसे करें या मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड तो भाई देखो सेमीकंडक्टर का सबको पता है, मेरे हिसाब से जो भी इसी में या जिनको भी थोड़ा इंटरेस्ट हो उनको खुद ही पता होगा सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छा बूम है इंडिया में। तो वैसे भी बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखो तुम, अभी देखो कितना फैब्रिकेशन लैब वैब लगी है। तो यार डोमेन तो, और सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस जो सेमीकंडक्टर का प्लस है भाई, इसमें भीड़ नहीं आती, भीड़ नहीं है, ये गारंटी ले लो। क्योंकि लोग, क्योंकि वो सेलेक्ट ही ऐसे लोगों को करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर वो पैशन होता है उस चीज़ का, और उसको हैंडल करने का पेशेंस होता है। वो मेन चीज़ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास पैशन है, विजन है और तुम्हारे पेशेंस है तो तुम कर सकते हो, और कोई भी चीज़ टफ नहीं होती यार। अगर कोई ये बोला, मैं किसी भी ब्रांच को ही नहीं कह रहा कि सिविल खराब है, मैकेनिकल खराब है, या लोग बोलते हैं सिविल मैकेनिकल से करके, भाई सिविल मैकेनिकल से भी लोग करके निकलते हैं, अच्छी अच्छी जगह निकलते हैं, वो भी कोर ब्रांचेज हैं। CSIT भी बहुत अच्छी है, जिसको इंटरेस्ट है वो कर रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ईसी में भी है सेम, बस ईसी थोड़ा कंपैरेटिवली टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ईसी में चीज़ें विजुअलाइज उतनी हो नहीं पाती हैं। पॉइंट ये, जो अपना थ्योरेटिकल है और जो तुम्हारा एप्लीकेशन है ना, वो बहुत डिफरेंट है। तो ये तो हो गई भाई सेमीकंडक्टर की बात। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है सेमीकंडक्टर में जाने का, तो भाई निश्चिंत होकर जाए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिमाग में रखे कि यहाँ पे भीड़ नहीं जाती, यहाँ पे क्वालिटी लोग जाते हैं और क्वालिटी ही काम होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम कह रहे थे कि यार तुम्हारा प्रिपरेशन का क्या रहता है, देखो भाई प्रिपरेशन का ये है बेसिकली कि तुम्हारा, देखो हम जब थे तो हम थर्ड ईयर में, हमें पता नहीं था, हमें बस यही बोलते थे हमें कोर में जाना है। तो हमें उस टाइम पे पता नहीं, हमें डिजिटल अच्छी लगती थी तो हम डिजिटल काफ़ी हमने किया था उस टाइम पे। तो हमें देखो सबसे फोरमोस्ट थिंग तो यही है यार कि तुम्हारा हर कंपनी डिजिटल तो पूछती है, एनालॉग में इंटरेस्ट है तो एनालॉग में तुम्हारा नास वास सब्जेक्ट होता है, BTech में होता ही है, सबको पता है। फोर्थ ईयर में AKT के जो बच्चे होंगे उनको पता ही होगा नास वास का तो सब्जेक्ट होता ही है। वो भी जिसको एनालॉग में जाना है उसका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसको तुम्हारा डिज़ाइन वेरीफिकेशन में जाना है वो, उसके लिए डिजिटल बहुत मस्ट है। PD में भी जिसको जाना, उसके लिए डिजिटल बहुत मस्ट है। तो डिजिटल तो भाई ऐसा समझ लो रामबाण चीज़ है, डिजिटल हो गई और माइनास हो गई, ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये हो गई जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, वो होती है भाई स्किल सेट की, तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। फॉर मी एज ऑफ नाउ, मेरी जो प्रोफाइल है, जो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं वो बता सकता हूँ तुमको। कि जैसे कि लेट सपोज, देखो दो डोमेन होते हैं इसमें, DV में भी दो पार्ट होते हैं। एक होती है तुम्हारी RTL मॉडलिंग होती है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा वेरी लॉग आ जाता है, सिस्टम वेरी लॉग आ जाता है, तुम्हारा UVM आ जाता है, ये सब वेरिफिकेशन की लैंग्वेजेस हो गई, SVO UVM, तो तुम्हारा वेरिफिकेशन मेथडोलॉजीज है। और तुम्हारी जो वेरी लॉग है वो तुम्हारी RTL मॉडलिंग के लिए यूज़ होती है। तो तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग में ये नेसेसिटी है, ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेज है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, फिर आती तुम्हारी एक लैंग्वेज आती है तुम्हारी CC++, जो नॉर्मल CSIT वाले भी करते हैं, CSIT वाले बंदे भी करते हैं। तो CC++ का भी एक डोमेन होता है अपने इसमें सेमीकंडक्टर में, वो होता है तुम्हारा, इसमें आदमी जाता है थोड़ा सा यू कैन से सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ योर VLSI। एक देखो तुम्हारा हार्डवेयर पार्ट होता है, जो होता है वेरीलॉग सिस्टम वेरीलॉग वाला और UVM वाला। टोटल कितने डोमेन होते हैं? देखो डिजाइन वेरिफिकेशन एक पूरा अपना कंप्लीट डोमेन है, उसके अंदर दो बाइफरकेशन होते हैं। दो बाइफरकेशन ऐसे हैं कि एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, देखो यार कोई भी डिवाइस है तुम्हारा, लेट सपोज माइक्रो प्रोसेसर है, तो यार उसको वाया वो अपना तो हार्डवेयर लेवल पे चल रहा है, बट उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई UI या कुछ तो चाहिए ना, वो हो गया तुम्हारा सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। जैसे तुम्हारे फर्मवेयर्स हो गए, ये सब हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये तुम्हारे हो गए CC++ वाले पार्ट, ठीक है। जिसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसिडरेट तुम्हें बताऊँ बहुत स्पेसिफिकली, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, अगर थोड़ा सा भी पता हो तुम्हें इस डोमेन के बारे में, तो तुम्हारे कैडेंस के काफ़ी सारे टूल्स हैं, है ना, जैसे तो हाँ कैडेंस एक्सिलियम है, तुम्हारा साइमंस क्वेस्टा है तुम्हारा, तो ये सब तुम्हारी इसकी जो बैकेंड लिखी हुई है पूरी CC++ में लिखी हुई है। तो ये होती है तुम्हारी EDA कंपनी, जो ये टूल डिज़ाइन करती है फॉर योर सिमुलेशन ऑफ योर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये हो गया तुम्हारा एक पार्ट, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो टूल क्रिएट करती है, ये VLSI का एक पार्ट हो गया DV के अंदर। दूसरा पार्ट हो गया तुम्हारा ये हार्डवेयर का, जो जहाँ पे हम लोग मॉडलिंग करते हैं, तुम्हारा वेरीलॉग सिस्टम वेरीलॉग UVM आ गई वहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो अगर किसी को भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वो जा सकता है बिंदास DV में, तो और डिजिटल मजबूत होनी चाहिए। तो ये है बाकी प्रिपरेशन के लिए यार, मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ें हैं एज अ फ्रेशर या एज अ मतलब कॉलेज ग्रेजुएट, तुम्हें डिजिटल तो अच्छी आनी चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ऊप्स में मतलब ऐसा नहीं वो वाला अपना जो थ्योरेटिकल होता है वो नहीं, एकदम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाला वो आना चाहिए। प्रोजेक्ट अच्छा करो, प्रोजेक्ट के थ्रू लर्निंग करो, ये बेस्ट है। तो ये बेसिकली आई थिंक भैया जो भी जूनियर होते हैं वो ITCS की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है इसी के बारे में। इसी में कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और कोई यहाँ पे और कोई बताने वाला भी नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई मेन रीजन ये है कि कोई बच्चे वहाँ पे जा नहीं पाते। सो आपको इस चीज़ के बारे में पता कैसे चला? यार ये ना, ये थैंक्स टू इस टाइम के लिए, थैंक्स टू कॉलेज, हमारे गलगुटिया कॉलेज को थैंक्स, कि उस टाइम पे हमारे यार HOD थे लक्ष्मणन सर, ठीक है, लक्ष्मणन सर के साथ थे अमनप्रीत सर सम हाउ थ्रू सम कनेक्शन ही ब्रॉट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस, जिसमें तुम्हारे VLSI ओरिएंटेड था वो, मैं ऐसा स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, बट वो लाए उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। एंड उसमें तुम्हारा यही था कि
बेसिकली हमने वहाँ पे ओवरव्यू लिया तो हमें समझ में आया कि यार अच्छा कोर में ऐसे घुस कोर में ये चीज़ें होती हैं, हमें भी नहीं पता था। हम थर्ड ईयर में थे ना तब हमें ये पता चला, अमनप्रीत सर लेकर आए हमारे लिए, लक्ष्मण सर, अमनप्रीत सर का इनिशिएटिव था ये, तो वो लेकर आए, तो देन वी रियलाइज कि हाँ यार ऐसा नहीं है, इसमें जा सकते हैं। अच्छा एक मिथ और भी होता है, ये हमारे दिमाग में भी था कि यार ईसी में अगर ईसी में अगर कोर में जाना तो एमटेक करना बहुत जरूरी है। ये शायद तुम्हारा नेक्स्ट सवाल होगा, मैंने पहले क्लियर कर दिया इसीलिए कि भाई ये मिथ होता बहुत तगड़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एमटेक की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे पास स्किल सेट होना चाहिए, मेन बात यही है। तो यही था यार, ये अपॉर्चुनिटी थी तो हमने ग्रैब करी, हमें लगा क्योंकि हमें जाना था, हमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था भाई, क्योंकि हमने सोच रखा था कि हमें यही करना है। तो बस यही होता है, इफ़ यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू डू, सो दैट इज़ द मेन थिंग, हमारे लिए वही था। सो भैया अगर बात करें इनिशियल सैलरी की, अगर इसी कंपनी में अगर हम लोग जाते हैं, कोर कंपनी अगर अच्छी खासी कोई कंपनी आती है, तो उनका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो क्या होता है? एंड वन मोर थिंग मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आपकी प्लेसमेंट हुई है ये ऑन कैंपस हुई है या ऑफ कैंपस हुई है? यार ये पहली बात तो ऑफ कैंपस हुई है, पहली चीज़ तो यही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो तुम कह रहे थे कि इनिशियल पैकेज या ये जो है, देखो यार कोर का यार हमेशा ही पैकेज अच्छा होता है, ठीक है, पैकेज का तो कोई इशू होता ही नहीं है। और सूनर और लेटर जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो तो तुम्हारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है। देखो ईसी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या वीएलएसआई में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, या यूँ बोलो सेमी कंडक्टर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल है भाई। मतलब तुम मान लो 3-4 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हारा जंप एज कम्पेयर टू बाकी डोमेन से बहुत ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा हो सकता है? बहुत है भाई, मतलब एवरेज मान के चलो कि 3 साल में एक बंदा मान लो यार डबल ट्रिपल जंप कर सकता है, मतलब इतना जंप है अच्छा खासा अगर तुम्हें आता है तो। क्योंकि इस यहाँ लोग ही नहीं है ना भाई, उनको इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है। वीएलएसआई में लोगों को हायर ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं हायर करना, पॉइंट ये कि दे लैक। हाँ ईसी में इतना ज़्यादा मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है ना भाई मेरे, इतना लैक ऑफ अवेयरनेस, इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं क्या बताऊँ तुमको। और टीयर थ्री में तो बहुत ज़्यादा है, IITs में तो भाई है अच्छा खासा अवेयरनेस, वहाँ के लोग कर रहे हैं, वहाँ के लोग वेरीलॉग सिस्टम है, वहाँ के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे मतलब मेरे कुछ ऐसे कनेक्शन हैं तो मुझे पता है, तो वो लोग कर रहे हैं भाई, उनको अवेयरनेस है कि वहाँ का एनवायरमेंट कल्चर ऐसा है, वहाँ पे ईसी पे है, अपने यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ बहुत लैकिंग है, बच्चों में भी नहीं है ये चीज़, उनके अंदर कोई विजन नहीं है मेरे हिसाब से तो। मतलब विजन है भी अगर तो वो उनको बेचारों को पता नहीं कि कैसे जाए, क्योंकि भाई कोई है ही नहीं ना बताने वाला, पॉइंट तो यही, तो वही चीज़ है। तो गलती उनकी भी नहीं है, गलती एक्चुअली तुम्हारा यही है कि थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लैक ऑफ तुम्हारा कहना चाहिए क्या कहते हैं यार उसको, कि जैसे ना बच्चा निकलता है घर से, उसको पता नहीं होता कुछ, वो आता है उसको 4 साल तो कॉलेज, 3 साल उसको कॉलेज समझने में लग जाता है, अच्छा ये भी होता है, हमें भी ऐसे ही हुआ था, हमें पता ही नहीं भाई क्या करना है। तो वही चीज़ होती है यार, ये तो एक दिक्कत है, तो ये है यार, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए मेरे ख्याल से ईसी के लिए तो खासकर। और ईसी में ऐसा, ये अगर कोई कह रहा है कि ईसी में भाई प्लेसमेंट नहीं है तो ये गलत है भाई मेरे हिसाब से, वो उसको पता नहीं है फिर तो, ये तो है। सो भैया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने का क्या प्रोसेस था आपका? यार प्रोसेस कुछ नहीं था यार, प्रोसेस ये होता है बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं कि देखो यार तुम्हारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, तुम उनसे जाके पहले तो ट्रेन हो, ठीक है, तुम सीखो क्या क्या तुम्हारी स्किल सेट रिक्वायरमेंट्स हैं अगर कोर में जाना है, क्योंकि देखो हर कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है, और खासकर अब ऐसे मतलब जैसे कॉलेजेस होते हैं जो अपने हैं तो उसमें यार उतना नहीं होता है, ठीक है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, कॉलेज की गलती नहीं है भाई, वो होता ही है, वो करिकुलम ही ऐसा है, उसमें किसी का गलती नहीं है, वो बात होती है एक्सप्लोरेशन की। आदमी ने एक्सप्लोर किया तो एक्सप्लोर करने पे आदमी को पता चलता है कि मुझे ये स्किल सेट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें C++ वेरीलॉग सिस्टम वेरीलॉग ऊप्स के कॉन्सेप्ट ये सब तुम्हें आना ही चाहिए, मतलब फॉर गोइंग इनटू द डीबी डोमेन इन वीएलएसआई, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए, बाकी करना ना करना तो वो तो पेशेंस के ऊपर है कि कितना बंदे के अंदर पेशेंस है, वो उस सबसे करता है, तो वो चीज़ होती है। बाकी तो यार मतलब मेरे हिसाब से तो यार या तो आदमी एमटेक कर ले, एमटेक में उसको अगर आईआईटी या कुछ मिल जाए तो वहाँ पे उसको अवेयरनेस हो जाती है, वहाँ पे भी काम बन जाता है, या फिर भाई उसको नहीं अगर है कि उसको जाना ही है कोर में तो फिर भाई तुम्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, या फिर इवन मैं ये नहीं कह रहा कि करना ही है, ऐसा नहीं है, और भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम अपने से भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो होता है ना यार तुम वो उसकी एसेंस भूल जाते हो, वो चीज़ एसेंस नहीं पकड़ पाते हो किसी भी, भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक एसेंस है, वो एसेंस पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ है मेन, तो वो तुम्हें कोई ट्रेंड बंदा ही तुम्हें ट्रेन कर सकता है, वो चीज़ होती है बेसिकली, तो यही है बस। तो आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे जो कि आपको पर्सनली अच्छा लगता हो या फिर आपने जहाँ से सीखा हो या फिर? मेरा तो यही है यार, सीखने का कहीं से भी सीखो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सजेस्ट कर दूंगा तो तुम्हारा उसी से भला होगा, ये तो तुम्हारे ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है भाई, पर्सन ही सब कुछ है, सिर्फ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तुम उसे ग्रैब करना या उससे तुम्हें सीखना है, सीख तुम कहीं से भी सकते हो भाई। डिजिटल की इतनी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज में, मोरिस मैनो से लेके सब कुछ, और तुम्हें पता है अपनी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है गलगुटिया की। मैं एक दिन ही गया था, मतलब मैं जब अभी ये सब ऐसी तैयारी कर रहा था थर्ड के फोर्थ ईयर के बीच में मैं गया था एक बार, मैं कभी गया नहीं लाइब्रेरी वैसे, कभी नहीं गया, तो एक ही बारी गया था, उसमें भी भाई मतलब मैं गया, मैंने देखा भाई अच्छी खासी स्क्रिप्टिंग की किताबें रखी हुई हैं, अच्छी खासी कोर वीएलएसआई की बढ़िया बढ़िया किताबें रखी हुई हैं, तो लोग उसको भी देख के सीख सकते हैं, किताबों में बहुत कुछ है। और नई किताब से मतलब बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाना है तो भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, तो जैसे
यही है यार, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तुम गेट का भी सोच सकते हो, गेट की तैयारी करो, उससे भी तुम कर सकते हो। घुस तो घुसना ही है तुम्हें, देखो घुसना है और वहाँ पे जाके काम करना, मतलब सीखना है। और बाकी तो भाई जंप तो भाई मैं तुम्हें बताया पहले वीरा चाहिए का तो घूमना तो होता ही है भाई, बढ़िया। लोग भी बहुत कम है क्योंकि बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए इनको, इनको ऐसा नहीं चाहिए कि ऊपर ऊपर वाला काम वाला चीज़ नहीं, तो इनको चाहिए बहुत परफेक्शनिस्ट लोग, मतलब एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि एक गलती चिप में, एक बग अगर निकल आया ना चिप में, भाई पूरी की पूरी चिप गई, उस कंपनी का पूरा लॉस सब कुछ। अभी लेट सपोज कोई भी तुम्हारा टेप आउट हुआ या कोई भी तुम्हारी चिप निकली, अब उसमें एक बग रह गया, तो सोचो फिर उस कंपनी पे वो बात आ जाएगी। तो देख फैब्रिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैन, इंडिया में तुम्हारा बहुत, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इंडिया में तो हो ही नहीं रहा फैब्रिकेशन, अभी तो लैब भी आई है, बाहर इतना आउटसोर्सिंग हो गया, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव मैन, एक गलती निकल गई उसमें तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान है, वो बियर नहीं कर सकते वो, तो उन्हें चाहिए बहुत अच्छे लोग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको टेक्निकली अच्छे चाहिए, उनको एज अ पर्सन भी अच्छे चाहिए, जिनका विजन अच्छा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स यू कैन से कि एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी डिसिप्लिन टू योर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग क्या है ना, जैसे डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं तो वो एक भी इशू होता है, तो वही सब है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी यार ज्वाइन कर सकते हो, बी एम टेक भी कर सकते हो, ये भी अच्छा रास्ता है, दोनों ही रास्ता अच्छा है। मेन बात है कि तुम्हें जो स्किल सेट है वो स्किल सेट अच्छे से आनी चाहिए। अगर यू से इन योर रेज्यूमे इट इज़ मेंशन दैट यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एंड अ फर्म नॉलेज ऑफ C++ विद ऑप्स, सो यू शुड हैव दैट, बिकॉज द इंटरव्यू गोइंग टू आस्क दैट ओनली, एंड ही रिवॉल्व अराउंड दैट, ही ट्राई टू कन्फ्यूज यू, बट यू वोंट इफ यू नो, सो दैट इज़ द मेन थिंग। आई थिंक गाइज ये सब बातों से आपका काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो चुका होगा, एंड थैंक यू भैया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद आवर जूनियर्स। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और भाई तुम्हें भी थैंक यू भाई, एटलीस्ट यार अवेयरनेस होनी चाहिए यार, देखो पर्पस यही है कि बेसिकली तुमने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, थैंक्स टू यू कि तुमने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, बिकॉज नहीं है भाई अवेयरनेस लोगों को, बहुत दिक्कत है इसकी, तो एटलीस्ट ब्रांच की या उस एलिमेंट की तुम्हें एसेंस पता होनी चाहिए, अपनी ब्रांच की क्वालिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। डीमेरिट्स तो सबको पता होते हैं भाई, हर कोई पीछे जाके गरियारा होता है, मैं टू बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ ये बात, तो भाई वो सबको पता होता है, लेकिन मेरिट्स भी जानो। और ऐसा नहीं है कि खाली इसी की बात है, हर डोमेन का अपना एसेंस है, ये मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसा है वो वैसा है ये ऐसा वो ऐसा है, इट्स नॉट अ सेंस ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, बट टू नो द एसेंस ऑफ योर डोमेन इट्स गुड टू नो एट एन अर्ली स्टेज।